देखा आपने कोई भालू, ये रीच रीच देखा है? हाँ, चाहता है वो उधर जंगल में रहता है, पर और वो नीचे नहीं आता, वो तेंदुआ 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 इधर नहीं होता, इधर रीच है, रेट ही होता, इधर सड़क में नहीं आया कभी आपके टेंट के पास? ना ना इधर नहीं आता। अच्छा, देखा आपने? हाँ देखा बहुत बारी। तो ये कुत्ता रात को किधर होता, टेंट में? ना ना इसको फोड़ देते हैं रात। अच्छा अच्छा खतरनाक होता है। हाँ, भेड़ बकरी होती है ना। हाँ, रात को फोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन विद अ न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग होने वाला हमारा बहुत ही मस्त, क्योंकि आज हमारे अपने भाई के साथ अंकित रैना, और ये देख सकते हो हमारा संजीत भाई यहाँ पे गाड़ी चला रहा, आ नहीं रही है इसको, लेकिन फिर भी चलो सिखा रहा है इसको, हम सिखा रहे हैं। क्या बोला वो भी कहा से आ रहे हो? सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो काफी देर बाद आज व्लॉग शूट हो रहा है, क्योंकि आज हम तीन भाई जो है वो मिल चुके हैं। ये हमारे साथ हैं करण कोतवाल, ये बड़े देर बाद हमसे मिले हैं, जिम शिम जाते हैं, बॉडी वगैरह बनाई है। और ये हैं हमारे संजीत भाई, आज काफी मोटे हो गए। और करण भाई कैसे हो फिर? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। आपके व्लॉग में आने के लिए यार बहुत इच्छा थी मेरी। आज हम अपने आप को एकदम सौभाग्यशाली, क्या बोलते हैं उसको, सौभाग्यशाली हम समझते हैं। अभी हम जा रहे हैं गुलडंडा, टाइम तो काफ़ी हो गया है, करीब तीन बज चुके हैं। तो भाई मोशन सिकनेस हो गई थी, और गाड़ी में वो रूम फ्रेशमेंट होगा था गाड़ी रूम फ्रेशमेंट इत्र कि संजीत भाई को कल जाना है जम्मू वापस, और करण भाई को भी कल जाना है जम्मू वापस। तो आज का दिन है हमें मस्ती करने का, तो व्लॉग में बने रहे गाइज। ये जो गुलडंडा वाली रोड है ना, आज एकदम ए क्लास रोड हो गई है, एकदम रोड चकाचक है। अभी हम गुलडंडा पहुंचने वाले हैं, ये रास्ता देख सकते हैं, और हमारी गाड़ी की स्पीड 60 है, लेकिन मौसम खराब हो गया है बारिश आने के चक्कर में। करण भाई क्या बोलते, बारिश आएगी? पहले ही नहीं बोला तूने। A few moments later, करण भाई क्या बारिश आएगी आज? हाँ, मौसम तो ऐसा लग रहा है कि आ सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मौसम खराब है, बस बारिश ना हो। तो गाइज पहुंच चुके हैं हम गुलडंडा व्यू पॉइंट, लेकिन दुख की बात यह है कि जो सुनबाई का व्यू है ना, जो यहाँ से आता है, वो पूरा भी बादलों से कोहरे से छप चुका है। देखिए गाइस, पूरा ये कोहरे में छिप चुका है, वहां पर से सुनबाई, लेकिन भाई पूरी छिप चुकी है। करण भाई सुनबाई गए हो? हाँ, ये था हमारा अर्थक्वेक का केंद्र हुआ करता था पहले, सोच रहे हम जाएं इस बार सुनबाई, लेकिन पहले कैलाश यात्रा जाएंगे, एंड हम तीनों भाई वहां से फिर से एक और ब्लॉग करके आपको दिखाएंगे मस्सा। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम गुलडंडा की वादियों में, यहाँ पर है गाइस कोरा ही कोरा, और पहुंच चुके हैं गाइस हम जो मेन गुलडंडा है ना, कैप्चर कर रहे हैं। काफी दुकानें देख सकते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं। पहुंच चुके हैं हम गुलडंडा से आगे, ये आगे छत्रगल है करीब 10 मिनट बाद, और यहाँ पर ये कुछ ऐसा व्यू है। तो अभी मैं और करण भाई तो मुझसे बहुत लंबा है, हम जाएंगे यहाँ पर पाइप लगा के झरने बनाया है। क्या खूबसूरत व्यू है करण, गर्दन डाल इसके नीचे, गर्दन डाल। ठंडा पड़ बहुत ही ज्यादा ठंडा है, और हमें बहुत ही मजा आ रहा है। So, ये हमारी गाड़ी। तो हमारे करण भाई ये पाइप से जो पानी गिर रहा है इसमें से जाएंगे नहाएंगे, संजीत भाई भी जाएंगे, जाना है? नहीं यार, तूने भी आना है, जड़ा दौड़ के जड़ा रहा है। तूने मेरी क्लास में शो शो उठाना है, क्लास बोल के तू भी ना, माँ की कसम पंचो नहीं हो रहा है मेरे पास। कर दौड़ 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 थ्री और आ गया, पंचो नहीं करेगा, चल जल्दी, मेरी गलती, चल जल्दी, 3 2 1 दौड़। क्या बात है, जोश में जोश में। ओ भाई, आई कोरी 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 सचिता, गाड़ी स्टार्ट कर भागते कर रहे आजा। अश्लील लोग सड़क में नंगे नंगे घूमने, अश्लील लोग ठंडे ठंडे पानी में नहाने के बाद इतना गर्म गर्म फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब जन्नत ही है। आप भी आइए और यहाँ पे स्टे कीजिए और यहाँ पे नहाइए।
स्टे वाला कट कर देना, एडिट कर देना, कच्चे से ऊपर ला कच्चे से नीचे नीचे ब्लर कच्चे से कच्चे के ऊपर से लाना किससे ऊपर से ऊपर फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ चल फलक तो गाइज ऊपर से घूम फिर कर आगे हम यहाँ पर हम रुके हैं यहाँ ये ऊपर है गुलडंडा जो मेन गुलडंडा है यहाँ नीचे यहाँ पर है ये चाचा की दुकान चाय चाय मिलेगी चाय ये हुक्का हुक्का ट्राई कर सकते हैं हुक्का फोटो 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 ले सकते हाँ ऐसे लगाना नहीं है फोटो लेने के लिए चला ले लो फोटो कोई नहीं चाचा कितने के टूरिस्ट आए ज्यादा नहीं आए हैं तो ये है ऐसी चाचा की दुकान तो यहाँ पर पियेंगे हम चाय हुक्का इसके साथ हम फोटो लेंगे चूल्हा इससे बनाएंगे चाय कोल्ड ड्रिंक पानी जंगली जानवर वगैरह कुछ नहीं देखा आपने कोई भालू ये रीच रीच देखा है चाहता है वो उधर जंगल में रहता है पर। और वो नीचे नहीं आता तेंदुआ 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 इधर नहीं होता इधर रीच है इधर सड़क में नहीं आया कभी आपके टेंट के पास ना ना इधर नहीं आता ऐसे देखा आपने हाँ देखा बहुत बारी ये है हमारी चाय ये है व्यू चाय का टेस्ट बताओ कैसा है आपको मेरे से पता चल गया होगा आ से पता चल गया चाय का टेस्ट कैसा है बताना चाहेंगे कि चाय का टेस्ट कैसा है चाय का टेस्ट बहुत ही अच्छा है पी तो सही पहले इस बंदे ने पी नहीं झूठी बोल रहा है पी अब एक नंबर मेरे दोस्त ने आपको बता दिया कि चाय का टेस्ट कैसा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है चाय सच में कमाल की है और ये जो व्यू है ना ये भी कमाल का है चाय पी हमने रास्ते में रुकेंगे कहीं वहां पर भी खाएंगे पियेंगे वो भी आपको दिखाएंगे तो वीडियो में जरूर बने रहें अभी हम आए हैं यहाँ पर हमारा रसोई में जहाँ पर हम कुछ खाएंगे फिर चलेंगे घर को टाइम हो चुका है शाम के 7 हमने ऑर्डर किया यहाँ पर 3 सिंपल मैगी प्राइस है 60 रुपीज़ पर प्लेट ये है गाइस हमारा रिजॉर्ट ये आ गई हमारी मैगी 3 प्लेट साथ में हमने सिंपल क्या ऑर्डर किया चाय मैगी का टेस्ट अच्छा है ये सिंपल मैगी का रेट यहाँ पर है 60 रुपीज़ पर प्लेट और ये आ गई हमारी चाय तो गाइज हम पहुंच चुके हैं घर में और यहीं पर करेंगे हम अपने आज के ब्लॉग को एंड आई होप गाइज अपने ब्लॉग को एंजॉय किया तो उसे लाइक करें शेयर करें और कमेंट भी करें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करें तो फिर मिलते हैं हम एक नए दिन एक नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय